हमारे साथ अब ट्रेड बुल्स के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट सच्चिदानंद उत्तेकर जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका, बताइए गुड मॉर्निंग, क्या व्यू है आपका? निफ्टी पर टारगेट दीजिए अगला नया, क्या आप 11,500 तक जाने का दमखम रखता है? 200 दिन का डेली मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा बाजार इसी सीरीज में? गुड मॉर्निंग हेमंत, इनफैक्ट जिस तरीके से अभी भी मोमेंटम है, आई थिंक यहाँ से इस एक्सपायरी के लिए तो 10,450-10,500 की उम्मीद की जा सकती है। इनफैक्ट यू नो मोमेंटम काफी स्ट्रांग है और जब तक यू नो प्रीवियस स्विंग के नीचे जब तक क्लोजिंग आती नहीं है, तो अभी फिलहाल अगर हम इमीडिएटली देखें तो प्रीवियस स्विंग है अराउंड 11,050 के आसपास, तो उसके नीचे जब तक एक फर्म क्लोजिंग नहीं आती, आई थिंक तब तक मोमेंटम यू नो स्ट्रांग ही रह सकता है। उसके पहले आपको यू नो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इनफैक्ट 11,450 के आसपास निफ्टी जाने की काफी अच्छी उम्मीद है। सच्चिदानंद जी, आप बताइए, आप कह रहे थे एक्सिस बैंक पर आपका एक व्यू है, आज इसके परिणाम आने वाले हैं। कुछ देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे एक्सिस बैंक की, चार्ट कैसे बने हैं, डेटा क्या कहता है, क्या होगा आज? देखिए, अगर तीन महीने का डेटा देखे तो 550-510 इस पर्टिकुलर रेंज में काफी समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में बिताया है। इनफैक्ट जिस तरीके से फ्राइडे की क्लोजिंग थी, यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आ रहा है और इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से एक फर्म मूव आ सकती है अराउंड 580 लेवल्स तक की। तो इस लिहाज से आई थिंक रिजल्ट से रिएक्शन मिल सकती है। 539.30 का यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा और यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन बनाने की सलाह दूंगा। इनफैक्ट अगर थोड़ा सा सेफ्टी भी देखे तो 560 का कॉल ऑप्शन भी यहाँ पर लेने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए 13 के आसपास और 45 तक के टारगेट्स इस पर्टिकुलर यू नो ऑप्शन में मिल सकते हैं। सेकंड कॉल होगा यू नो अजंता फार्मा, 560 का कॉल ऑप्शन आप कह रहे हैं, वो आपकी स्क्रीन पे जरा लेकर आते हैं। एक बार देखें शुक्रवार की क्लोजिंग कैसी हुई थी। एक्सिस बैंक 560 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन ₹22.40 पे था आज, right. आपके लिए इसके लेवल क्या होंगे, टारगेट स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस होगा अराउंड 13 का 13 और टारगेट होगा अराउंड 45 तक का। ओके, तो करीब डबल हो सकता है यहाँ से। एग्जैक्टली। ओके, सो यहाँ पर काफी अच्छा ट्रेड सेटअप है। अगर ओवरऑल पैटर्न देखे तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो फॉर्मेशन है उसके टारगेट से अराउंड 580 तक आ रहे हैं, तो आई थिंक यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है बैंकिंग में, प्राइवेट बैंक्स में, जहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अजंता फार्मा में यू नो एक काफी समय के बाद एक अच्छा डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ था, वहां से एक लगातार अच्छी अप मूव यू नो देखी गई है। इनफैक्ट यहाँ से लग रहा है कि कंसिस्टेंटली यहाँ पर हाइट ऑफ हायर बॉटम्स का सीक्वेंस यू नो सस्टेन हो सकता है। 1070 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रेकमेंड करूंगा और यहाँ पर यू नो ट्रेडिंग लॉन्ग्स बनाने की सलाह होगी अराउंड 1143 के टारगेट्स के लिए, और एक पोजिशनल टारगेट भी अवेलेबल है अराउंड 1170 तक का, जो उसका एक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो आई थिंक यहाँ पर एक काफी अच्छा कैंडिडेट है इवन इन फार्मा स्पेस, जहां पर लॉन्ग पोजिशन बना सकते हैं अजंता फार्मा में। ऑलराइट, तो आज फोकस ए अक्षर पर है, एक्सिस बैंक, अजंता फार्मा, इनके ऊपर नजर रखिएगा। सच्चिदानंद बताइए, पीएनबी क्या लगता है, तेजी करनी चाहिए? सरकारी बैंकों पे पॉजिटिव मूड है, पीएनबी ने अच्छा इजाफा देखा है पिछले हफ्ते। देखिए, आई थिंक एक रिएक्शन सब मिल रहा है बिकॉज सारे पीएसयू बैंक्स काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और उनको जस्ट एक फॉलो अप मूव मिल रही है पीएनबी थ्रू भी। बट अगर पैटर्न्स की बात करें तो आई थिंक यहाँ पर अभी भी कोई ऐसा एक फर्म पैटर्न या रिवर्सल पैटर्न नहीं है जो बता रहा है कि यहाँ से एक अच्छी सस्टेनेबल अप मूव बन सकती है। इनफैक्ट मेरी सलाह होगी कि अगर आपको अपटिक्स मिलते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में अराउंड 84-85 के आसपास, वापस एक काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है, तो उसके आसपास अगर आपको एक रिवर्सल फॉर्मेशन ऑन द नेगेटिव साइड मिल जाता है तो आई थिंक वहां पर शॉर्ट करने की सलाह होगी। इनफैक्ट लॉन्ग पोजीशंस इस पर्टिकुलर स्टॉक में तो एटलीस्ट अवॉइड करना चाहिए। बाकी काफी अच्छे पीएसयू बैंक्स हैं, जहां पर एसबीआई में एक अच्छा मोमेंटम यहां पर नजर आया है, बड़ा काफी बेटर है। बट आई थिंक पीएनबी इवन एज अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यू नो वी शुड कंसीडर इट मोर ऑन द शॉर्ट साइड रादर देन क्रिएटिंग लॉन्ग्स। डीमार्ट ये एक और ऐसा स्टॉक है जिसके आज नतीजे आने वाले हैं, एवेन्यू सुपरमार्ट्स के नाम से ये कंपनी जानी जाती है, चार्ट पर क्या नजर आ रहा है? देखिए, आई थिंक अच्छा कंसोलिडेशन इस पर्टिकुलर स्टॉक में हुआ है, जिस तरीके से अभी भी एवरेजेस प्लेस्ड है, तो आई थिंक यहाँ पर लगातार ऐसा लग रहा है कि 1660 तक की अपमूव यहाँ पर बाकी है। इनफैक्ट 1530 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर इनफैक्ट एक ट्रेडिंग व्यू भी लिया जा सकता है, तो 1660 के टारगेट के लिए पोजिशन बनानी चाहिए 1530 के स्टॉप लॉस के साथ क्लोजिंग बेसिस। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, इनमें गिरावट देखी जा रही है, खासतौर पर कोटक पे। अगर सच्चिदानंद आप एक नजर डालें, क्या लगता है? देखिए, लगातार ये तीसरा हफ्ता है जब आप इस स्टॉक में गिरावट देख रहे हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये 1300-1290 एक अच्छा सपोर्ट जो है स्टॉक के लिए, तो यहाँ पर इमीडिएटली मंदी की पोजीशन नहीं रखनी चाहिए। इनफैक्ट जिस तरीके से कंसोलिडेशन है, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। इनफैक्ट ट्रिगर होगा अराउंड 1325 के ऊपर, इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। फिलहाल तो इसको शॉर्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा दबाव जरूर है, ओवर सोल्ड टेरिटरी में
पहुंच चुके हैं ऑसिलेटर्स, तो यहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह बिल्कुल नहीं होगी कोटक महिंद्रा में। इनफैक्ट स्टेबल हो जाता है तो यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन बनानी चाहिए। आरईसी ये वो स्टॉक है जो हम लगातार कहते थे तेजी मत करिए, दबाव देखने को मिलेगा, प्रेशर बना भी काफी, इवन पीएफसी में तेजी की राय नहीं थी, लेकिन अब देखिए ये स्टॉक काफी गिर चुके हैं ऊपरी स्तरों से और अब यहां से रिकवर करना शुरू कर रहे हैं। ज्यादा अच्छी तेजी आरसी में देखने को मिलेगी या पीएफसी में देखने को मिलेगी या कोई और पीएसयू अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो ये बताइए। मुझे तो ये वाली थीम समझ में आई। अच्छी तरह बैटिंग करेंगे इनफैक्ट सिमिलर व्यूज है 121 के आसपास के लेवल्स है एंड नीचे में जब तक स्टॉक आई थिंक 111.50 के नीचे क्लोज नहीं देता तब तक आई थिंक मोमेंटम रह सकता है। बीएल पर और बीएमएल पर सर आपकी राय भी जानना चाहूंगा। बीएल पे इनफैक्ट एक वीकली चार्ट पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, इनफैक्ट जिस तरीके से अभी मूवमेंट हो रही है आई थिंक 107 के लेवल इंट्राडे आ सकते हैं, 110-111 तक के भी लेवल्स यहाँ पर अवेलेबल है। 102 का स्टॉप लॉस मैं यहाँ पर रेकमेंड करूंगा बीएल के लिए, यहाँ पर आप एक ट्रेड सेटअप ले सकते हैं ऑन द पॉजिटिव साइड। जीएसएफसी एक स्टॉक है, सच्चिदानंद जरा इस पर नजर डालिए, लॉन्ग्स बन रहे हैं शुरुआत में और ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो एक डाउन ट्रेंड था वो खत्म हो रहा है, पिछले 2-3 महीने का करेक्शन पूरा करके उससे बाहर निकलने की कोशिश में है। कोरोमंडल के जो नतीजे आए हैं मार्जिन बढ़ा है तो इस पूरे सेक्टर के लिए फंडामेंटली भी अच्छी खबर है, क्या लगता है आपको लेंगे? लेना तो चाहिए, इनफैक्ट 100-105 के आसपास एक बेस जैसे आपने बताया ना ये आई थिंक एस्टैब्लिश हो चुका है, जिस तरीके से एक फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आ रहा है जो इंडिकेट कर रहा है कि 125 तक के टारगेट्स यहाँ पर अवेलेबल है, तो डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने चाहिए। 109 का मैं यहाँ पर इमीडिएटली स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा, 114-115 के आसपास फिलहाल स्टॉक कोट करा है और 125 तक की अपसाइड यहाँ पर अवेलेबल है, थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रखना चाहिए। तक सच्चिदानंद ने कोई स्टॉक ढूंढ लिया है, बताइए क्या कॉल दे रहे हैं आप? HCPL इनफैक्ट वापस मोमेंटम पकड़ रहा है, इनफैक्ट जिस तरीके से 290 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, ओपन लो है 284.25 का, आई थिंक वही स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए, 297 इंट्राडे टारगेट होगा और अगर ये मूव सस्टेन हो जाती है तो आई थिंक 305 तक की जगह यहाँ पर ओपन है, तो आई थिंक यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता है HCPL में। भाई साहब वो बताइएगा खुलते ही वो खरीदारी शुरू हो जाती है, आप उसे क्या कहते हैं? ओपन है, ओपन लो, ओपन लो मतलब वो जो भाव मिला वो छाप के लिया, तो वैसे ही देखने को मिला है तीनों में। देखिए आप और सचिन ने बिल्कुल सही स्पॉट किया है, ये बिल्कुल ओपन लो है और इसमें बड़ी मूव आ सकती है, मेरे को बीपीसीएल में थोड़ा सा डाउट था, बीपीसीएल ने कंफर्मेशन दे दिया। एक स्टॉक देखिए इंटरग्लोब, जिस तरह से यहाँ मंदी हो रही है हमारा अनुमान है कि नतीजे कमजोर आएंगे, आज रिजल्ट आने वाले हैं और काफी ज्यादा दिक्कत रही है इनको, देखिए इनके इंजन को लेकर प्रॉब्लम थी, बहुत सारे एयरक्राफ्ट लगातार खड़े रहे, बहुत सारी फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि मुनाफा 70% गिरेगा, एबिद्दा करीब 73% गिरेगा और मार्जिन्स बहुत ही ज्यादा कमजोर नजर आएंगे, काफी गिर चुका है हालांकि ये स्टॉक। सच्चिदानंद क्या आपको लगता है कि अभी भी मौका है, आज भी जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं क्या शॉर्ट करना चाहिए अभी भी? देखिए एक पैटर्न ब्रेकडाउन जो अराउंड 1150 के आसपास एस्टैब्लिश हुआ था उसके टारगेट्स अराउंड 976 के आसपास आते हैं, स्टार्टिंग थोड़ी सी डाउनसाइड जरूर है, मैं आई थिंक इसको इंट्राडे के लिहाज से ही करें, 1010 का मैं यहाँ पर इनफैक्ट स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा, 1790 का एक ओपन आया तो आई थिंक उसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहिए और ये यू नो काफी यू नो एक इंट्राडे काइंड ऑफ अ मूवी देखनी चाहिए। नीचे में आई थिंक 970 के नीचे यू नो स्टॉक में एग्जॉशन आ जाएगा, वहां पर शॉर्ट पोजीशन बनानी नहीं चाहिए, इनफैक्ट प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो ये रहा इस स्टॉक पर आज परिणामों से पहले ये शेयर ढीला होता हुआ। बीएल में भी मेरे ख्याल से टारगेट अचीव हो चुके हैं, 107 का पहला टारगेट जो सच्चिदानंद ने दिया था वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, कैश मार्केट में करीब करीब उस लेवल के आसपास आने आ चुका है अब तो 107 पे। तो एक चार्ट और देख लेते हैं रेपको होम फाइनेंस का, सच्चिदानंद देख रहे थे लगता है, बताइए टारगेट। इनफैक्ट रेपको में फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है, जिस तरीके से 641 के आसपास अभी ट्रेड करा है स्टॉक, आई थिंक यहाँ पर 622 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना चाहिए और थोड़ा सा ना पोजिशनल आउटलुक रखना चाहिए, 680-685 तक के टारगेट यहाँ पर इमीडिएटली आ सकते हैं, तो आई थिंक यहाँ पर काफी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं इवन फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। आज के टारगेट भी दीजिए जरा 680, तो ठीक है आपका पोजिशनल टारगेट तो रहेगा, आज जो लोग आपको देखकर इस समय आपकी बात सुनकर लेंगे उनके लिए 655 तो इमीडिएट टारगेट है। ओके वक्त नहीं है लेकिन अगर एक एसआरएफ पे नजर डाले सच्चिदानंद क्या दिखता है आपको? इनफैक्ट फ्रेश यहाँ पर ब्रेकआउट नजर आ रहा है, जिस तरीके से एवरेजेस में क्रॉसओवर हुए शॉर्ट टर्म के, आई थिंक यहाँ से मोमेंटम काफी तेज हो सकता है, इमीडिएट टारगेट होगा अराउंड 1775 का, 1735-38 के आसपास अभी कोट कर रहा है, 1710 का आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना चाहिए, लॉन्ग पोजीशन इसमें बनानी चाहिए।
ऑलराइट, इस पर रखिएगा नजर। वक्त है हमारे विशेषज्ञों से विदा लेने का।